हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मूनशाइन। आई एम स्वाति। तो आज जो मैंने लुक क्रिएट किया है ये है नवरात्रि के लिए। तो ये जो लुक है वो ट्रेडिशनल गरबा लुक है। तो इस लुक को देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो मेकअप से पहले CTM करना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो मैंने CTM कर लिया है, अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज भी कर लिया है। अब हम लगाएंगे प्राइमर। तो प्राइमर के लिए मैंने यूज़ किया सुगर कॉस्मेटिक का सिलिकॉन बेस प्राइमर। ये प्राइमर हमारे पोर्स को मिनिमाइज़ करता है एंड ब्लर करता है, ताकि जो हमारा फाउंडेशन है वो तो बहुत देर तक लॉन्ग लास्टिंग स्टे करे। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मैबेलिन का 24 आवर स्टे फाउंडेशन। ये जो फाउंडेशन है ये 24 आवर स्टे करता है, साथ ही ये फुल कवरेज फाउंडेशन है। तो ये बहुत ही आपको लॉन्ग लास्टिंग जाता है। तो आप जब भी फाउंडेशन अप्लाई करें तो एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अप्लाई करें। उससे क्या होता है कि आपको जो फाउंडेशन है वो फुल कवरेज देता है और लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। तो आपको अच्छे से डैब डैब करके अपने पूरे फाउंडेशन को अच्छे से मिक्स करना है। नेक पे, ईयर पे एंड पूरे फेस के हेयर लाइंस पे भी आपको ध्यान देना है, वरना जो आपका फाउंडेशन है वो डिफरेंट सा दिखेगा, आपके नेक और फेस से मैच नहीं करेगा। तो अब हम फिल करेंगे अपना आईब्रो। तो मैंने ब्लैक एंड ब्राउन आई शेडो यूज़ किया है। आप कोई भी पैलेट का शेड ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको अच्छे से फिल करना है, हल्के हाथों से फिल करना है, वरना वो डार्क हो जाएगा एक बार तो फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो आपको आराम से इसे फिल करना है हल्के हाथों से। तो मेरे दोनों आईब्रो डन हो चुका है। अब मैं कंसीलर के लिए यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर। तो आपको कंसीलर को अच्छे से अप्लाई कर लेना है अपने आईलिड पे एंड अंडर आइज एरिया पे, और अपने जो भी आपके हाइलाइटेड एरिया है आपके फेस के वहाँ वहाँ आपको अप्लाई कर लेना है। कंसीलर को ऐसे हम हाइलाइटर यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो फेस है वो हाइलाइटेड दिखे। मैं अपने आई एरिया पे एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी कंसीलर, ताकि वो अच्छे से अप्लाई हो सके। आप फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपको अच्छे से अप्लाई करना है, तो मैं फिंगर की हेल्प से भी टैब मोशन में अप्लाई करूँगी ताकि वो अच्छे से अप्लाई हो सके। आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको अच्छे से टैप टैप मोशन में करके कंसीलर अप्लाई करना है, आपको ड्रैग नहीं करना है। अब मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी द हेल्प ऑफ सुगर कॉस्मेटिक कॉम्पैक्ट। मेरा शेड है कौन पन्ना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूँगी इसका लिंक, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, ताकि जो मेरा फाउंडेशन है उसमें क्रीज ना आए और वो लॉन्ग लास्टिंग स्टे करे। अब मैं ब्लेंडर ब्रश की हेल्प से एक ऑरेंजी शेड लूँगी और मैं उसे अपने क्रीज एरिया पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो आपको पूरे अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि वो थोड़ा इवनली लुक आए। अब मैं एक डार्क ब्राउन शेड लूँगी और अपने क्रीज के नीचे जस्ट उसे अप्लाई कर दूंगी, बस उसे। अब मैं ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से उसे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी ताकि एक अच्छा सा लाइटर डार्क शेड्स आए। अब मैं एक ब्लैक शेड लूंगी और अपने आईलिड एरिया पे बस उसे अप्लाई करूंगी जस्ट, और आपको उसे बस मिक्स करना है, ब्लेंड करना है, ताकि एक नेचुरल ब्राउनी स्मोकी आई लुक क्रिएट हो सके। देख सकते हो कितना नेचुरल सा स्मोकी आई लुक लग रहा है। अब मैं यूज़ करूँगी लाइनर के लिए SQ का लाइनर। तो मैं एक पतला सा विंग ड्रॉ कर रही हूँ। तो मैं पतला सा लाइनर ड्रॉ किया है, तो मैंने दोनों आँखों में लाइनर लगा लिया है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मैबेलिन का जेल लाइनर फॉर काजल। ये लॉन्ग लास्टिंग काजल है, इसलिए मैं आज सारा जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो लॉन्ग लास्टिंग ही यूज़ कर रही हूँ, ताकि वो अच्छे से स्टे करे। तो मैं अपने लोअर लेस लाइन को भी थोड़ा स्मोकी लुक दे रही हूँ, तो मैं थोड़ा ब्लैक एंड ऑरेंज शेड जो मैंने यूज़ किया है मैं उसे यूज़ कर रही हूँ, ताकि थोड़ा नेचुरल सा स्मोकी आई लगे। आज मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर पैलेट। तो इसमें ब्लश, हाइलाइटर एंड कंटूर भी है, तो मैं इसी से कंटूर एंड हाइलाइट एंड ब्लश करने वाली हूँ आज। तो पहले मैं कंटूर कर रही हूँ। आपको हमेशा कम अमाउंट लेके ही अप्लाई करना है, वरना
अगर आप ज़्यादा अमाउंट लेके अप्लाई करोगे तो फिर वो अनइवन सा हो जाएगा। तो ब्लश के लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ पीच शेड। ये बहुत ही प्यारा सा शेड है, मुझे बहुत पसंद आया ये शेड। अब मैं यूज़ करूँगी हाइलाइटर, तो मैं अपने पहले इनर कॉर्नर में अच्छे से हाइलाइटर लगा लूँगी। फिर मैं अपने जितने भी हाइलाइटेड पॉइंट्स है मेरे नोज़, फॉरहेड, चीक एंड चिन में, सब एरिया में अपनी हाइलाइटर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। तो आप फैन ब्रश या फिर अपने फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने अपने हाइलाइटर को सेट करने के लिए सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है, ताकि जो मेरा हाइलाइटर है वो लॉन्ग आवर तक स्टे करे। तो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं अपने पूरे फेस को सेटिंग स्प्रे से सेट कर रही हूँ, ताकि जो मेरा बेस है वो लॉन्ग आवर तक स्टे करे। लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ सुवर कॉस्मेटिक का मिनी लिपस्टिक, एंड मैंने अपनी मस्कारा यूज़ किया है लास्ट में, क्योंकि मैंने सेटिंग स्प्रे यूज़ किया था, वरना उससे मेरा जो मस्कारा है वो ख़राब हो सकता है। तो मैं अपनी ज्वेलरी एंड ड्रेस के वापस आती हूँ गाइस। तो मैं लाइनर की हेल्प से अच्छे से डॉट ड्रॉ कर ले रही हूँ, ताकि जो मेरा लुक है वो पूरा ट्रेडिशनल गरबा लुक जैसा आए। तो मेरा नवरात्रि गरबा लुक क्रिएट हो चुका है गाइस। आपको ये लुक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो छोटू सा बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो मेरे नए आने वाले एक्साइटिंग वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। सो बाय गाइज़।